आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि नई खोज। अध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ प्रत्येक दिन शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 24 न्यूज प्लस पर। संपर्क सूत्र हितेश भाई 9825097994, प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ 9829650702। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आज हमारा सौभाग्य है, हमारा पुण्योदय है, हमारा भाग्य है कि हमारे बीच में अहमदाबाद के आत्मज्ञानी, विज्ञानी, आत्मानुभवी, आत्मा का निरीक्षण परीक्षण सेल्फ रियलाइजेशन करने वाले, इस जन्म से नहीं कई जन्मों से करने वाले स्वामी कमलेशानंद जी हमारे बीच में हमको सानिध्य प्रदान कर रहे हैं और हमारे जीवन से जुड़े जो शाश्वत सत्य है उनके बारे में, कुदरत का कानून, सनातन सत्य के बारे में हमको गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता सभी श्रोताओं की तरफ से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दृष्टि शब्द है वो प्राय प्राय भारतीय संस्कृति में बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। दृष्टि का अर्थ होता है देखना। कैसे देखना? बाहर देखना, वह भी दृष्टि है। भीतर देखना, वह भी दृष्टि है। और आपने तो दृष्टि को ही सब कुछ बना दिया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी आत्मदृष्टि को प्राप्त करना है, वही सनातन सत्य है, वही कुदरत का कानून है और वही जीवन का शाश्वत मूल्य है। तो हम किस तरीके से आत्मदृष्टि को प्राप्त करें जिसको हर भारतीय संस्कृति के धर्म दर्शन ने सम्यक दर्शन, राइट विजन, राइट थिंकिंग, सम्यक ज्ञान, मतलब सबका भावार्थ देखें तो वो दृष्टि से जुड़ा हुआ है। तो उस सम्यक दृष्टि को, उस आत्मदृष्टि को हम कैसे प्राप्त करें, वो आप कृपया थोड़ा खुलासा कीजिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। और प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि ये दृष्टि की बात किया, दृष्टि का मतलब क्या है। तो दृष्टि को समझने के लिए तीन शब्दों को समझने की जरूरत है, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। आंखों से दिखता है वो दृश्य है, अंदर से समझ में आता है वो दृष्टि है, और दृष्टा है वो खुद शुद्ध आत्मा है जो प्रकाशक है। मैं रिपीट करता हूँ, आंखों से दिखता है वो दृश्य है, अंदर से समझ में आता है वो दृष्टि है, जो दिखता है वो समझ में आता है वो दृष्टि है, और दृष्टा जो है वो दृष्टि को प्रकाश करने वाला है। यानी दृष्टा का मतलब होता है शुद्ध आत्मा है, वो स्व पर प्रकाशक है। खुद तो प्रकाशित है ही और दृष्टि को भी प्रकाशित करते हैं ताकि दृष्टि दृश्य को समझ पाए। तो तीन शब्द आध्यात्मिक विज्ञान के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। दृश्यों का मतलब होता है देखना, दृष्टि का मतलब होता है जानना, और दृष्टा का मतलब होता है प्रकाशक।
तो पूरी सृष्टि जो हमारे सामने ये आंखों से दिखती है और पांच इंद्रियों से भी समझ में आती है, मगर जो दिखती है वो हम किस तरह समझते हैं ये हमारी दृष्टि का प्रयोग है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। महाभारत के अंदर कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को शिक्षा दिया था वो शिक्षा न अर्जुन का धर्म बदलने का था, ना ही अर्जुन का गुरु बदलने का था और ना ही अर्जुन की क्रिया बदलने का था, मगर महाभारत ने कृष्ण भगवान ने अर्जुन की दृष्टि बदली। कैसे बदली? पहले अर्जुन मानता था कि मैं युद्ध में तो आ गया हूँ, मगर आने के बाद मैंने देखा, चारों ओर मुआयना किया तो मालूम हुआ कि मेरे सामने जो दिखते वो तो सब मेरे हैं, अपने हैं। अब मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे स्वजन हैं, मेरे धर्मगुरु हैं, मेरे पितामह हैं, ये सब मेरे हैं, कोई दुश्मन तो मेरा है ही नहीं। तो एक जमीन के टुकड़ों के लिए मैं उनके साथ फाइट करूं, ये अच्छा नहीं लगता है, चाहे विजय हो या पराजय हो, मगर अपने को मार के कुछ प्राप्त करना वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दृष्टि दिया कि हे अर्जुन, तुमको मोह हो गया है। कौन सा मोह हो गया है? मैं ही अर्जुन हूं और अर्जुन को मैं ही चलाने वाला हूं, और अर्जुन जो कुछ भी करता है उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। ऐसा आपके दिमाग में सोच चल रही है, ये सोच सही नहीं है। कृष्ण भगवान ने उसी समय बताया, हे अर्जुन, तुम अर्जुन नहीं हो, तुम शुद्धात्मा हो। अर्जुन तो विनाशी है और तुम अविनाशी हो। अर्जुन को तो कुदरत चलाती है, कुदरत के कानून से चलता है, और तुम अपने स्वभाव से चलते हो, और अर्जुन जो कुछ भी करता है उनके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, अगर तुम आप में रहो तो। और यही शिक्षा कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, यही दृष्टि दिया, और यही दृष्टि पाकर अर्जुन ने महाभारत में युद्ध किया। युद्ध करते समय हजारों लाखों लोगों के हिंसा करने के वो निमित्त बने, मगर क्योंकि दृष्टि में ज्ञान हो चुका था कि मैं अर्जुन नहीं हूँ, मैं अर्जुन को चलाने वाला नहीं हूँ, और अर्जुन जो कुछ भी करता है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हूँ। यही दृष्टि से उन्होंने युद्ध किया, लाखों लोगों की हिंसा के निमित्त बने, युद्ध को जीता भी, और वही अवतार में मोक्ष में गए। जैन रामायण में ये बताया गया है। उसके आगे हम दूसरे बात करें, भगवान श्री राम जब इसको वनवास जाने का समय आया तो वो माता कैकेयी को वंदन करके फिर अपनी माता के आशीर्वाद लेके वो वनवास जाने की ओर प्रस्थान करता है। तभी भी श्री राम ने कभी कैकेयी को दूषित नहीं देखा, क्योंकि राम को मालूम है यह राम का ही कर्मों का फल है, और कैकेयी और मेरे पिता दोनों निमित्त हैं, मगर कर्म तो मेरा है। तो कभी राम ने कैकेयी को दूषित नहीं देखा, क्योंकि उनकी ये निर्दोष दृष्टि थी, सैद्धांतिक दृष्टि थी। और आज भी हम रामायण सुनते हैं, और जब राम का वनवास होता है तो हम कैकेयी को ही दोषित मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है, दृष्टि ही सब कुछ है, दृष्टि ही अज्ञान है, दृष्टि ही संसार है, दृष्टि ही जन्म मरण है, दृष्टि ही परिभ्रमण है, दृष्टि से ही ज्ञान होता है, और दृष्टि से ही अज्ञान मिटा सकते हैं, और दृष्टि से ही हम आध्यात्म के मार्ग में
हर पहलू पे आगे बढ़ सकते हैं। तो दृष्टि बहुत बड़ी चीज है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम दुनिया तो नहीं बदल सकते हैं, हम अपने परिचय वाले लोगों को भी नहीं बदल सकते हैं, और ना ही हम अपने खुद के मन वचन काया को भी बदल सकते नहीं हैं। मगर हाँ, हम दृष्टि जरूर बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मन वचन काया और दृष्टि ये दोनों अलग चीज़ हैं। तो दृष्टि के अंदर ज्ञान और दर्शन होता है। ज्ञान जैसा दर्शन वही आपकी दृष्टि हो गई। बिना ज्ञान दर्शन दृष्टि नहीं होती है। तो इसीलिए हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आइए हम सब अपनी दृष्टि को आध्यात्मिक विज्ञान से रंग दें, और यही दुनिया को हम, यही आध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य या कुदरत के कानून से देखने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ आपका जीवन सफल होगा, मंगलमय होगा, और हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा करने वाला होगा। तो मैं समझता हूँ जो दृष्टि के बारे में मैंने जो कुछ भी कहने की जो कोशिश किया है, आप सबको समझ में धीरे धीरे आएगा, और आप खुद भी यही दृष्टि को परिवर्तन करके खुद भी आध्यात्म विज्ञान को आत्मसात करके मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। आपने दृश्य, दृष्टि और दृष्टा तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों का त्रिवेणी संगम बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। हमारे श्रोतागण बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जो परिभाषा आपने दी है वो परिभाषा बहुत वैज्ञानिक है, बहुत सनातन है, और किसी भी धर्म या किसी भी आइडियोलॉजी को ये जो है किसी तरह से काट की बात नहीं करती है, बहुत समन्वय की बात करती है। स्वामी जी, विज्ञान, आज का युग विज्ञान का युग है, और सारी दुनिया ये जानती है कि विज्ञान और वैज्ञानिक जो लेबोरेटरी में काम करता है वह पुद्गल, मैटर, अजीव, जड़ पर काम करता है, और काम करके फिर जो है एक्सपेरिमेंट करके कोई आविष्कार करता है कि इनका जो कार्य पद्धति है वह जड़ पर है, लेकिन आपकी जो कार्य पद्धति है वो चेतन पर है। आप चेतन को प्रमुखता देते हैं और जड़ को साधन मानते हैं, और आपने अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया, और विज्ञान को आपने बताया कि यही कुदरत का कानून है। तो जो कॉमन डेफिनेशन लोगों के सामने जो मैंने बताई वो है, तो किस तरीके से हर व्यक्ति जो समझदार है उनके दिमाग के अंदर हम ये कैसे खुलासा करें कि विज्ञान का अर्थ केवल जो हम पढ़ रहे हैं वो नहीं है, विज्ञान का अर्थ दूसरा दृष्टि और कुदरत के कानून से भी जुड़ा हुआ है। तो हमारी जो चिंतन धारा है दोनों एक है, कोई दूर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अच्छी तरह से खुलासा करें। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान, आम आदमी जो विज्ञान समझते हैं वो स्थूल प्रयोग को विज्ञान मानते हैं। स्थूल प्रयोग को विज्ञान मानना यानी साधनों को विज्ञान मानना। साधन विज्ञान नहीं है, साधन विज्ञान के सिद्धांतों पे काम करता है। तो हमको हर बात को समझना पड़ेगा कि विज्ञान का मतलब क्या है। विज्ञान का मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, लॉ ऑफ नेचर, उसको विज्ञान कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, वो विज्ञान कहते हैं। कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिराई, वो विज्ञान नहीं है, वो विज्ञान के सिद्धांत पे काम करता है। हमने प्लेन बनाया तो वो हवा में उड़ता है, वो विज्ञान नहीं है, मगर विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर वो हवा में उड़ता है। तो हर बात के पीछे हम साधनों को साइंस समझते हैं, वो सही नहीं है। साधन के
पीछे साइंस है, और साइंस का उपयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। साधन स्वयं कुछ नहीं कर सकता है, मगर साधन अपनी दृष्टि के प्रयोग से काम करता है। और पूरी सृष्टि है, वो पूरी सृष्टि साइंस के यानी कुदरत के कानून से ही चलती है, मगर हमको नहीं मालूम। जैसे दिन होता है और रात होता है, कौन करते हैं? क्या हम करते हैं? मगर ये कुदरत का विज्ञान है। कौन सा विज्ञान? ये विज्ञान जानोगे तो आपको मालूम होगा। जैसे साइंटिस्ट बताते हैं कि सूर्य और चंद्र की जो और बीच में पृथ्वी आती है, इसके आधार से दिन होते हैं, रात होते हैं। तो विज्ञान का मतलब होता है कि ये जो अवस्था बताई वो तो विज्ञान का प्रयोग है, वो विज्ञान नहीं है, मगर लोग इसको विज्ञान मानते हैं। विज्ञान वो नहीं है, विज्ञान तो सिर्फ छह तत्व हो है। ये दुनिया छह तत्वों से बनी हुई है, वो विज्ञान है। और छह तत्वों से बनी हुई दुनिया कैसे चलती है? वो कुदरत के कानून से चलती है। तो कुदरत का कानून जो है वो सभी के लिए इक्वल है, और कानून जब लागू होता है तो वो कानून छह तत्वों के सहयोग से काम करता है। नियम कोई भी है, मगर तत्व तो छह ही होते हैं। तो कहने का मतलब, विज्ञान जो शब्द है वो दो प्रकार के हैं। सबसे पहले विज्ञान जो है वो छह तत्वों से बना हुआ है, फिर दूसरा विज्ञान के अपने अपने प्रिंसिपल होते हैं जो कभी परिवर्तन नहीं होते हैं, इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ नेचर। तीसरा, ऐसे एक विज्ञान के कानून से जो साधन बनाते हैं वो भी विज्ञान के सिद्धांत पे काम करता है। तीसरी बात, हर इंसान का जो जीवन है वो कुदरती कानून से चलता है। तो ये कुदरती कानून वो भी साइंस के सिद्धांत है। कुदरत का कानून का मतलब होता है हर व्यक्ति अपने ही किए हुए कर्मों के भुगतान करता है, मगर भुगतान को डिसाइड करने वाला कौन है? जो सबके लिए एक है, तो वो भुगतान को जो डिसाइड करने वाला है वही कुदरत का कानून है, और वो कानून सबके लिए एक सरीखा है। और वो कानून के भुगतान के लिए हमको सरकमस्टांसेस देता है, वो सरकमस्टांसेस छह तत्वों से बना है। तो हर बात में साइंस आता है, हर बात में साइंस आता है, मगर क्योंकि हमने आज तक संसार को, दुनिया को, धर्म को इस वैज्ञानिक दृष्टि से न समझा है और न देखा है और न ही अनुभव करने की कोशिश किया है, तो ये पहली बार ये संसार को, धर्म को और मुक्ति के मार्ग को वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे देखा जाए, ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन में हर व्यक्ति को अकर्ता देखे, हर व्यक्ति मालिक के भाव से मुक्त रहे, हर व्यक्ति भीख और भय से मुक्त रहे, हर व्यक्ति अपने ही मन वचन काया से मुक्त रहे। ये साइंस धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, और ये जो साइंस है वो आपको समझना है कि यहाँ कोई कर्ता नहीं है, सब साइंटिफिक सरकमटांशियल एविडेंस से बनता है। तो हमको समझना चाहिए कि दर्शन का मतलब क्या है, दृष्टि का मतलब क्या है, दृष्टि को बोलते हैं आपकी दृष्टि में कौन सा एंगल छुपा है, रिलेटिव सत्य का है या सनातन सत्य का है। जिस एंगल से दुनिया को देखेंगे उसी एंगल का आपको भाव होगा, क्योंकि जैसे मैं व्यवहार से दुनिया को देखूंगा तो मेरी दृष्टि में कहेंगे कि भी मैंने आपको पैसा दिया है, आपको मेरे को लौटाना चाहिए, अगर नहीं लौटाते तो आपके प्रति मेरा द्वेष रहेगा। अभी साइंस क्या कहता है, सनातन सत्य क्या कहता है, कुदरत का कानून क्या कहता है,
कि आपने पैसा दिया वो भी लॉ ऑफ नेचर है, वो भी कर्मफल है। अगर वो देता है वो भी कर्मफल है, अगर वो नहीं देता है वो भी कर्मफल है। मतलब वास्तविकता को स्वीकार करना, और वास्तविकता कुदरत ने बनाई है, व्यवहारिकता हमने बनाई है, वास्तविकता कुदरत ने बनाई है। कुदरत की वास्तविकता देखोगे राग द्वेष नहीं होंगे, हमने बनाई हुई वास्तविकता देखोगे तो राग द्वेष होंगे ही। तो कहने का मतलब ये है, ये कुदरत का कानून हमारी हर प्रकार की अज्ञान मान्यताओं को मिटाने के लिए है, और वो अज्ञान मान्यता सनातन दृष्टि सत्य को साथ में रख के व्यवहार सत्य की दृष्टि को मिटाना है जो बिलीफ स्वरूप है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आएंगे हम सबको मालूम होगा कि ये दृष्टि बहुत बड़ा विज्ञान है, और दृष्टि में ही परिपक्वता नहीं है जो करनी चाहिए, मगर करने के लिए हमको बेस चाहिए, तो बेस है आध्यात्म विज्ञान। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको मालूम होगा कि आखिर दृष्टि क्या है, दर्शन क्या है। दर्शन अलग चीज है, दर्शन सबकी अलग अलग मान्यता है, दृष्टि वो खुद की बात है, दर्शन खुद की बात नहीं है। दर्शन तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण से ये दुनिया को धर्म को पेश करने की कोशिश किया है। दृष्टि हमारे खुद की बात है, इतने सारे दर्शनों के ऊपर साइंस। दर्शन का मतलब होता है व्यू पॉइंट, और साइंस का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो हर दर्शन में अपनी अपनी बात तो कही है और अपनी अपनी बात को साबित करने का भी प्रयास किया है, मगर ये सब बातें यूनिवर्सल ट्रूथ और सैद्धांतिक नहीं है। तो सभी दर्शनों से ऊपर उठोगे तब मालूम होगा कि आखिर सैद्धांतिक विज्ञान क्या है, सनातन सत्य क्या है। और वो जितना समझोगे, मैं समझता हूँ आपकी दृष्टि शांत स्थिर और हर समय संभव में रहेगी। तो यहाँ कोई पजल जैसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कि समझने में थोड़ी देर लगेगी मगर पजल जैसी कोई बात नहीं है। तो आइए धीरे धीरे यही आध्यात्म विज्ञान को बिल्कुल सैद्धांतिक दृष्टि से समझने की कोशिश करें, और मैं समझता हूँ ये विज्ञान समझना इतना आसान है क्योंकि सिद्धांत के ऊपर आधारित है। और दूसरी बात, साइंटिस्ट आपके सामने, अनुभवी साइंटिस्ट आपके सामने प्रत्यक्ष है, तो कोई भी प्रश्न है तो इसका उत्तर आप कभी भी ले सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान को सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत कर उसमें से कुदरत का कानून सनातन सत्य बताने के लिए आपने जो मैं व्याख्या दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी मैं आपको आज से 5,000 साल पूर्व जो भारत का सबसे इम्पोर्टेंट हमारे वेद जो लिखित हमारे अध्यात्म में या धर्म में भारतीय संस्कृति में लिखित धार्मिक ग्रंथ वेद है जो 5,000 साल पुराने बताए गए हैं और वो ईश्वर कृत है, उसके अंदर विज्ञान शब्द नहीं है और उसमें अध्यात्म शब्द भी नहीं आया है। उसमें प्राय प्राय आप ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद को पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा शब्द धर्म आएगा बार बार, और ये जो अध्यात्म आया है ये बाद में धर्म को लोगों ने संप्रदाय से जोड़ा और बहुत उसके साथ में चला जब ये अध्यात्म शब्द निकल के आया है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो वेद में धर्म शब्द है वह जो, और हम सनातन सत्य जो वैज्ञानिक दृष्टि की बात करते हैं, तो इन दोनों का सामंजस्य कैसे हो सकता है? अब क्योंकि समय की मर्यादा है तो हमें उस मर्यादा के न रहना है। तो स्वामी जी इस विषय को जो है मैं अगले एपिसोड पर रखूँगा। तो हमारे श्रोतागण भाई और बहनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सत्संग में आनंद आ रहा है क्योंकि आप सनातन सत्य को ऐसी एक विभूति से प्राप्त कर रहे हैं जो कि उस सत्य को जानते हैं, उस सत्य का उन्होंने
अन्वेषण किया, आविष्कार किया, भीतर से निकाला, आत्मा से निकाला, और वो आत्मदृष्टि से हमको सिद्ध करके अनुभूत विषय बता रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी समस्त समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। किसी भी तरह की जीवन की समस्या, कन्फ्यूजन, पजल है, वो आप हमारे को भेजिए। पीछे जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल है उस पर भेजिए, तो ऐसे साक्षात अनुभवी आत्मज्ञानी विज्ञानी जो है कमलेशानंद जी से हम उसका जो है उत्तर प्राप्त करेंगे। स्वामी जी, समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। अध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ प्रत्येक दिन शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 24 न्यूज प्लस पर। संपर्क सूत्र हितेश भाई 9825097994, प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ 9829650702।